हसन भाई राव साहब, यार आप सब छोड़ें, आप ये माउंटेन देखें और इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाएं। और यार दसान का हमने सफ़र शुरू तो कर दिए, लेकिन दसान के जो रास्ते हैं वो इतने कोई तंग हैं, इतने कोई तंग हैं और ये पथरीले है, बस रास्ता तो है ही नहीं। बस जहाँ से आपकी गाड़ी निकले तो आप गाड़ी लेके चले जाएं। और एक और चीज़ आपको जो मेन है वो बताऊँ, कभी भी अपनी गाड़ी पर ना आए, 4x4 है तो बिल्कुल भी ना आए। यहाँ के ड्राइवर और इधर की गाड़ी होनी चाहिए। भाई सुबह कितने बजे आप आए थे? 9 बजे। 9 बजे आए थे, कितने बजे पहुंचे थे? यार हम तो 2 बजे पहुंचे थे ऊपर। अच्छा, पैदल ही? पैदल। हाँ, पैदल। और अभी यार वहां से तो हम आ गए हैं, यहाँ पे ओले आ रहे हैं। ओले ओले उई, उई, ये देखिए ये भाई उई, मेरे ऊपर दिखाओ ये देखो। यार हम कलाम वैली पहुंच चुके हैं, ये देखिए ये सारा कलाम है, लेकिन हम इसको छोड़ के जा रहे हैं। क्यों, क्या हुई? छोड़ के नहीं जा रहे, वापस इधर ही आएंगे, ये वहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं दिसान वैली है, तो हम यहाँ भी दिसान जा रहे हैं। वहाँ से होके शाम में वो कहते हैं कि भाई आप वापस आ जाना, तो शाम में होके वापस आएंगे, फिर यहाँ पे आके रूम लेंगे। होटल बहुत है, शुक्र है रश भी नहीं है और सस्ते भी मिलेंगे। हाँ, और रश नहीं, ऑफ सीजन था ना वैसे भी, तो कह रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। स्टोर है, कितना है ये देखो, कुछ हो जाए तो कुछ होने क्या है। दिसान मेडोज जाना है, दिसान वैली। हाँ, रास्ता ठीक है? इसके लिए ठीक है। अच्छा, खतरनाक रास्ता तो नहीं है? खतरनाक रास्ता तो नहीं है। अच्छा, ये गाड़ी ओके? चलिए गाड़ी ओके है। ये रास्ता जाता है दिसान मेडोज, ये इसमें फोर व्हीलर है ना? हाँ, भाई ने पास कर दिया, फोर व्हीलर बोल जा। फोर व्हीलर तो जा निकल। ये ए इंजन ए बन सकती है, नहीं बंदे ना यार, थोड़ा हम पूछना जरूरी होता है, फिर गाड़ी की भी एहतियात देखनी पड़ती है। यार अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हमने दसान का सफर शुरू कर दिया है। इधर जो लोग हैं ना इधर के, उन्होंने हमें बोला कि भाई बहुत मुश्किल रास्ता है, और नजर भी आ रहा है कि बहुत ही मुश्किल रास्ता होने वाला है। लेकिन जब हम ये व्यू देखते हैं और इस खूबसूरती को देखते हैं, हम सोचते हैं कि भाई ये सफर और ये खुआरी और ये मुश्किल जो हमारा टाइम है, इसको हमने निकालना है, और इसके आगे जो खूबसूरती हमारा इंतजार कर रही है वहाँ पे पहुँच के मैं आपको भी दिखाऊंगा। रास्ते चेक करें, फुल हैवी रास्ते भाई, जिसकी गाड़ी भी आई तो फिर पता अब लग रहा है असल गाड़ी को कि भाई कहाँ जाना है और कैसे जाना है। गाड़ी भी 4x4 पे लगा दी है, मतलब ये है कि GLI हो या कोई और गाड़ी हो या कार हो, सिडान वगैरह उसका काम नहीं है, प्राडू 4x4 का काम है। इधर से ऊपर मुश्किल रास्ता जो कि मैं उतर के दिखाता हूँ कि गाड़ी कितनी मुश्किल से जो है ना जा रही है ऊपर। और ये भी खूबसूरत, क्या कमाल की चीजें हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। हसन भाई राव साहब, यार आप सब छोड़ें, आप ये माउंटेन देखें और इसकी खूबसूरती का अंदाजा लगाएं। बहुत मजेदार, फुल हैवी रास्ता देख लें। बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, बहुत मजा आ रहा है। गाड़ी देखे कैसे चल रही है, एक जगह है ना इन्हें खाली बनाओ, सिर्फ गड्डी दी। आगे आगे चलूं मैं, पीछे मेरी जिंदगी, थोड़ा सा जी लूं आज, मर्जी है मेरी।
कच्चे कच्चे रस्तों पे जिंदगी है टेढ़ी सी, रोशन है रात और सुबह मेरी अंधेरी सी। बीते लम्हों को भुला के पल थोड़े से चुरा के, बीते लम्हों को भुला के पल थोड़े से चुरा के, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए। Guys, we are now going. और यार दसान का हमने सफ़र शुरू तो कर दिए, लेकिन दसान के जो रास्ते हैं वो इतने कोई तंग हैं, इतने कोई तंग हैं और ये पथरीले हैं। बस रास्ता तो है ही नहीं, बस जहाँ से आपकी गाड़ी निकले तो आप गाड़ी लेके चले जाएं। और एक और चीज़ आपको जो मेन है वो बताऊं, कभी भी अपनी गाड़ी पे ना आए, 4x4 है तो बिल्कुल भी ना आए। यहाँ के ड्राइवर और इधर की गाड़ी होनी चाहिए। तुम हो मुसाफिर और जिंदगी सफर टुकड़ों में जैसे अभी तक जैसे पल अभी तक रास्तों पे जिंदगी है छोटी सी, इस पल को जी लो जैसे पल है कोई आखिरी। बीते लम्हों को भुला के पल थोड़े से चुरा के, बीते लम्हों को भुला के पल थोड़े से चुरा के, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे आगे आगे चलूं मैं पीछे मेरी जिंदगी, थोड़ा सा जी लूं आज मर्जी है मेरी। कच्चे कच्चे रस्तों पे जिंदगी है टेढ़ी सी, रोशन है रात और सुबह मेरी अंधेरी सी। बीते लम्हों को भुला के पल थोड़े से चुरा के, बीते लम्हों को भुला के पल थोड़े से चुरा के, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए। शाम है काली सी कोई स्याही, लिख दो इसे तुम्हारी कहानी। तुम हो मुसाफिर और जिंदगी सफर टुकड़ों में जैसे कहानी है बटी। शाम है काली सी कोई स्याही, लिख दो इसे तुम्हारी कहानी। तुम हो मुसाफिर और जिंदगी सफर टुकड़ों में जैसे अभी तक जैसे पल अभी तक रास्तों पे जिंदगी है छोटी सी, इस पल को जी लो जैसे पल है कोई आखिरी। रास्ता कैसा है जो हम गुजार के आए, उससे अच्छा है या बुरा है? ऊपर ऐसा ही, ऐसा ही है। अभी तकरीबन 7 किलोमीटर कोई रिहायश है वहाँ पे ऊपर? हाँ यही रिहायश के लिए इसकी अब हमें ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना? यार ये भाई सुबह कितने बजे आप आए थे? 9 बजे 9 बजे आए थे, कितने बजे पहुँचे थे? यार हम तो 2 बजे पहुँचे थे ऊपर। अच्छा पैदल ही? पैदल हाँ, पैदल। और अभी कितना टाइम आ रहे हो? हम पिशावर के। अच्छा कितना टाइम आ रहे हो?
ऊपर हाँ, 2 बजे से अभी तक बजे फिर जा रहे हो हाँ। यार हिम्मत है आपकी, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई। यार ये देखिए भाई पैदल जा रहे हैं, 2 भाई हैं पेशावर से आए और उनको 40 मिनट लग गए, तो हमें तकरीबन 20 मिनट लग जाएंगे। ये बेहतरीन है भाई रास्ता, खतरनाक खतरों से खेल के तुम, ये शुक्र है होटल पे होता, होटल भी है वहाँ पे, रिहाइश भी मिल जाएगी। यार पैदल कोई टफ थोड़ी ना रास्ता, पैदल के लिए तो ये हलवा है ना भाई। सही है, उन्हें को 9-11-12 5-6 घंटे लगे। यार भाई उनका स्टैमिना है ना, फिर ये है कि रुकते रात के जाते हैं, फिर बारिश भी हो रही है, बारिश हो गई तो वापस नहीं आ सकेंगे। आप आंसू थे यहाँ सवेरे आंसू तुम्हारी कहानी, तुम हो मुसाफिर और जिंदगी सफर टुकड़ों में जैसे। अभी तक जैसे पल अभी तक ओके सी यू लंबे रास्तों पे जिंदगी है छोटी सी, इस पल को जी लो जैसे पल है कोई आखिरी। बीते लम्हों को भुला के पल थोड़े से चुरा के, बीते लम्हों को भुला के पल थोड़े से चुरा के, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए पल। आगे आगे चलूं मैं, पीछे मेरी जिंदगी, थोड़ा सा जी लूं आज मर्जी है मेरी। कच्चे कच्चे रस्तों पे जिंदगी है टेढ़ी सी, रोशन है रात और सुबह मेरी अंधेरी सी। बीते लम्हों को भुला के पल थोड़े से चुरा के, बीते लम्हों को भुला के पल थोड़े से चुरा के, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए पल धीरे धीरे बहता जाए जाए पल धीरे धीरे बहता जाए जाए पल धीरे धीरे बहता जाए जाए। So guys, we are now doing शाम है काली सी कोई स्याही, लिख दो इससे तुम्हारी कहानी, तुम हो मुसाफिर जिंदगी सफर टुकड़ों में जैसे कहानी है बटी। शाम है काली सी कोई स्याही, लिख दो इससे तुम्हारी कहानी, तुम हो मुसाफिर और जिंदगी सफर टुकड़ों में जैसे। सुन दिया अली, आई एम अभी तक जैसे पल अभी तक लंबे रास्तों पे जिंदगी है छोटी सी, इस पल को जी लो जैसे पल है कोई आखिरी। बस भी कैसा है भाई जान, एकदम तो दिल ऐसा धड़क रहा है ना कि हमने क्या कर दिया है, अब ऊपर जाके सिला मिलेगा इसका। चलो ना बहू के तक चलो, देखिए जी मैं आपको आगे आगे चलूं मैं, पीछे मेरी जिंदगी, थोड़ा सा जी लूं आज मर्जी है मेरी। कच्चे कच्चे रस्तों पे जिंदगी है टेढ़ी सी, रोशन है रात और सुबह मेरी अंधेरी सी। बीते लम्हों को भुला के पल थोड़े से चुरा के। अस्सलामुअलैकुम गाइस, जो कि बड़ी मुश्किल से बात, हम पहुंचे एक पहाड़ पर, रुके हैं जहाँ
पहाड़ पर रुक गए हैं जहाँ पे बाइक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर, कैसे हैं? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुबीर। कब से हैं सर आप यहाँ पर? 4-5 दिन हो गए। अच्छा, इधर स्टे कर रहे हैं या नीचे थे? कलाम, कलाम में स्टे कर रहे हैं। अच्छा, कैसा है सर माहौल, पसंद आया आपको? बहुत अच्छा है। बोला इतनी खुआरी के बाद इकट्ठा हो जाता है कि हाँ यार हमने इससे ऊपर बहुत प्यार है, इससे ऊपर तो और ही एक नज़ारा है आपको। हर तरफ जो है ना वो ग्लेशियर के पहाड़ भी मिलेंगे, इतना ऊपर जाएंगे उतना अच्छा है, ग्राउंड मिलेगी आपको। अभी रास्ते में यार बारिश आ गई थी हमारे रास्ते में, जो भी रुके हैं वो देखें गाड़ी से भी बहुत अच्छे से। एक कैंप बना हुआ है और एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, यहाँ खाना वगैरह मिलता है? अच्छा भाई बता रहे थे कि अभी जो है ना खाना वाना हमने खुद बना रहे थे यहाँ पर, और इधर ही खाना बनाया और बारिश आ गई है जो कि अभी भी आ रही है बारिश, और हम एक छोटे से कोई एक जगह है जो बनी हुई वहाँ खड़े हुए जी। चाय भी है। अच्छा दिखाओ दिखाओ दिखाओ। और यार यहाँ की बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊँ, वो कह रहे हैं आपने खाना खाना है, मुर्गियाँ फिर रही हैं आप पकड़ें वो तो बनवाएं, और आपने दूध पीना है तो भैंसे फिर रही हैं, वो देखें गाय फिर रही है, आप उसको उसका दूध लें और फ्रेश फ्रेश बनवाएं। बहुत मेहमान नवाज लोग हैं ये। सही है, ये आप तो कहते हैं रहने दे पैसे भी ना दे। अच्छा, सही खतरा तो नहीं है ना, और अच्छे लोग यार। अच्छा, ये मैं आपको बारिश है मजा आ रहा है यार, सर्दी बड़ी, ये आपको मैं दिखाऊं, सर्दी हो गई है बारिश की वजह से। दीवान साहब बात सुने जरा, मैं एक मिनट आए सुनाए वीडियो कह रहे हैं कि आप रात रुको इधर। यार असल में अब ये सीन है कि हम लेट हो चुके हैं, थोड़ा लेट भी हो गए और बारिश भी हो चुकी है, आगे है ट्रैकिंग और पैदल जाना है। वो कह रहे हैं आप जितना ऊपर जाओगे उतना ही हसीन है, हसीन तो है भाई, वो कह रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है आप। फिर हमें हम सोच रहे हैं कि रात यहाँ पे स्टे करते हैं, स्टे करके सुबह जो है वो हम ट्रैकिंग करेंगे, यहाँ से निकलेंगे। मैं तो ये देखता हूँ उसके बाद मैं भूल जाता हूँ। अच्छा वहाँ पे देखेंगे, जो आपने ऊपर नज़ारे देखने हैं ना वैसा कुछ नहीं है। और ये बीस्ट को देखें यार, बहुत ही कमाल यार, पुलिस लाइट तो बंद करो। और ये देखें यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी कैंप देखते हैं, कैंप क्या ही होगा, बस नीचे जगह होगी सो जाएंगे, सर्दी है हाय 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 सर्दी बहुत है। ये देखें आखिर ये भी तो आए हैं ना हार्वेस्टर ट्रैक्टर ये चीज़ें, और वो देखें वादी वो शाइन करती हुई, और ये यहाँ पे फुल साया बारिश, ये कैंप है। क्या रे हिसाब किताब क्या है इसका? हिसाब 2000 रुपये। कैंप का करें मोहब्बत, कैंप का ना करो यार मोहब्बत, याद करो इससे मुख चुका करके फिर बताते हैं। वो नीचे कलाम है, वहाँ से हम आए यार, यार वहाँ से तो हम आ गए हैं, यहाँ पे ओले आ रहे हैं, ओले ओले उई उई। ये देखें ये भाई उई, मेरे ऊपर दिखाओ ये देखो, उई यार ये जो हम सफर करके आए ना, हाँ किसी का बाप भी नहीं कर सकता, किसी का बाप भी नहीं कर सकता ये सफर। ओले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक है। ओह भाई पहाड़ों के ऊपर हैं बिल्कुल हम, बारिश। हसन भाई क्या कहेंगे यार, बड़ा मजा आ रहा है। अब आई ना सर्दी और नींद भी हो रही है, कैसे क्या बन रही है।